आप लाए हैं तो जो बच्चे मोबाइल लेकर आए हैं मोबाइल के जमाने में पैकेट वगैरह खींच रहे हम तो निकाल कर फोटो खींच रहे निकाल कर मैं खड़ा हूँ कैमरा मैन को मना कर रहा हूँ फोटो क्या वही से खींच लिया था कि हम लोग आपको कुछ समझ सके आप सब कुछ समझा सके आप काफी समय से आप बैठे हुए हैं और थके हुए लग रहे ऐसा लग रहा है काफी बातें आपने कल को सुना है और आज इस दृश्य में तो कई काउंसिलिंग का जो आयोजन किया गया है इसमें हॉस्टल डे स्कॉलर और कचरी के बच्चे यहाँ पर एक साथ मौजूद हैं मैं समझता हूँ कि सारे बच्चे लंच कर लिए होंगे और कहीं भी कोई थोड़ा सा करने का जरूरत है मैं भी सुबह से लंच नहीं किया और नाश्ता भी नहीं कर सका और मौसम खराब था हम लोग इधर आ गए बहुत सारी बातें आपने सुना है आपको गुस्सा भी आ रहा होगा खिंचियापन भी आ रहा होगा तो लग रहा होगा कि जल्दी खत्म हो जाता चले जाते आप ही किस्म का विद्यार्थी का भी एक घटना हो गई आपको नहीं पता होगा जब आप बहुत समय नहीं रहेंगे जब आप अपने जीवन के बारे में जानेंगे नहीं तो बड़ी परेशानी हुई आपको उसके साथ कुछ बच्चों ने बात भी कर दिया हॉस्पिटल भर्ती भी है ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आप सुरक्षित हैं सही से आए हैं और कितना गुस्सा है लोगों को इसको समझिए कितना गुस्सा है समझिए मैं अरविंद सर से लेकर आदर सर से लेकर तमाम इस दृश्यम इंस्टीट्यूट के तमाम जो फैकल्टी है बाहर से आए हुए काफी अच्छे हैं मैं सबको धन्यवाद देता हूँ अपने आपको धरती पर यहाँ पर आए हुए हैं और अरविंद सर भी यही जन्म लिए हैं अरविंद सर भी है और काफी आपको मोटिवेट कर रहे हैं काम किए हैं और मेरे साथ में जो बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं आप शायद नए भारत के युवा पीढ़ी है याद रखिएगा नए भारत की युवा पीढ़ी है इसलिए नए भारत की युवा पीढ़ियों को मेरा बहुत प्रणाम है कि आप अगर अच्छे से अपने जीवन को जान लेंगे तो समझ लीजिए कि आपका जीवन सफल हो जाएगा मैं अपनी बात इसलिए करना चाह रहा हूँ कि आप कहीं भी जाना आप को रोकने का आपको याद रखिएगा कितने हम लोग बोलते हैं आपको जो आपका मन करेगा सो करेगा याद रखिए जो आपका मन करेगा लेकिन कहीं भी आप जाना तो जानने के लिए जाना कहीं भी जाना तो जानने के लिए जाना सीखने के लिए जाना कुछ करने के लिए जाना जीवन में बदलाव लाने के लिए जाना और अपने उस मिडिल परिवार अपने उस माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए जाना ताकि लौट कर आना तो हम कह सके कि मैं अपने बेटे को जो बेटी पर जो मैंने अपना जो सब कुछ भेज दिया है वो मेरा बेटा बेटी ईमानदारी से बनाने का काम किया है तो ये बात आपको समझने के लिए और जो बच्चों को बहुत गुस्सा आता है तो एक बात समझ आ रहा तो एक बच्ची थी उसको बहुत गुस्सा बाप आप में गुस्सा झगड़ा लड़ाई टेंशन हमेशा और वो माँ को भी बोल देती थी तो आप याद रखिए कि जब आप माँ को बोलते हैं या बच्चे जब पिताजी को बोलते हैं किसी को बोलते हैं तो बहुत उनको चोट लग जाता है मैंने आप कह नहीं पाते जो है आप गुस्सा करते चोट बहुत लगता है उनका निशान पर पड़ जाता है ये बात आपको समझना चाहिए तो इसी तरह से बहुत गुस्सा आ रहा था बच्ची को तो स्कूल टीचर के पास बोला गया प्रिंसिपल पास बोला गया आम पास बोला गया बोले तो ट्यूशन टीचर ने सब कुछ समझाया उसको एक ऐसे टीचर मिले बोले कभी कभी ऐसा हो जाता आपके साथ कुछ आपके लिए लगता है तो सार्थक हो जाते हैं और लगता है कि आपके लिए उनका कुछ बोलना कुछ करना कुछ मिलना सफल हो जाता है तो मैं जहां तक समझता हूँ ऐसे कंडीशन से टीचर होंगे और उस समझा के चलो तो इतना गुस्सा कर रही हो या रीना मिली सर समझ सकते हैं हॉस्टल जो देख रहे हैं पूरा बहुत बच्चे को गुस्साती हैं क्यों गुस्साती पता आपको ऐसे मत करो वैसे मत करो हेयर स्टाइल ऐसे रखो सब गुस्साती हैं तो अब तक रोके लिया आज लास्ट मेरा है इसके बाद मैं जैसा रोकती अब देखेंगे नहीं मैं सब कुछ कर रही हूँ ऐसा होता है तो इसका भी समझना पड़ेगा आपको तो हम लोग तो बच्चों को रीड करते हैं इसके बाद वो जो ट्यूशन टीचर थे उनको समझा कर उनको बोले चलो आज ये गेम खेलते हैं कहानी छोटी से समझ इस बात को आपको समझ आ जाएगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ वो तो छोटी कहानी है समझ लीजिए इसको बस बाद में समाप्त कर दो जी बहुत समझा दिया आपको इतना सत्य समझा दिया है कि आप शायद समझ गए होंगे तो आप
गुस्सा का परिणाम कितना घातक है इसको समझना है। गुस्सा से आदमी अगर थोड़ा गुस्सा को कंट्रोल कर ले तो जीवन लगता है कि अमृत हो जाता है, और गुस्सा न तो गुस्सा उस पर हावी हो जाए कितना घातक प्रभाव कर देता है, इस बात को समझने के लिए कह रहा हूं। टीचर ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया उसको, बच्ची को बुलाया बोला जब तुम गुस्सा बहुत जोर से है तो तुम कील उठाना और दीवार पर मार देना, कील उठाना और दीवार में मार देना तुम जाकर। और बच्ची गुस्सा जब भी आता तो गुस्सा उसको आता था और गुस्सा में जाकर एक साथ 10 को कील हुआ मार दीवार में जाए हर मुझ का था गुस्सा बहुत होता था और दीवार में कील को मार दिया गया वहां पर। और टीचर ने बोले ठीक है कोई बात नहीं, बोले क्या ऐसा हो जाएगा, मैं बोले लास्ट में जब होगा तुम्हारा इधर रिजल्ट मिलेगा तुम बस इनाम मिलेगा, इनाम तो वो मिलेगा रिश्ते मिलेगा इसको। दूसरा बार टीचर बोलते जा बिल्कुल गाड़ दी इसमें जब निकाल दो उसको, गाड़ने चरण में जब वो जाती थी आगे तो उसको पीछे धोना पड़ता था, इस गुस्सा में आगे गई उसको बैग धोना पड़ता था, बैग धोई फिर आगे गई। इस समझ रहे थे कितना बैग होना पड़ता है, फिर जाना पड़ता है, फिर जाना पड़ता है, फिर उसको गुस्सा आता था, फिर वो गाड़ दी थी। इस समझ उसको आने लगा धीरे धीरे ये काम आसान नहीं है, गुस्सा से हो सकता है। इसका जो टीचर बोले दूसरा दिन जाओ इस गिर को फिर तुम निकाल दो इसको, फिर वो फिर निकालने लगे वो गिर के, फिर जब निकल गया बोले अब क्या बचा है, बोले कुछ भी नहीं सारा गिर में निकाल दिया हो, बोला ध्यान से देखो क्या बचा हुआ उसमें है। तो लड़की बोलती है मैंने कुछ तो बचा नहीं इसमें, सिर से गिर का निशान हो चुका है, गिर का इसमें निशान हो चुका है। तो जब तुम माँ पर गुस्सा करती है तो माँ को चोट आता है, और तुम कितना भी कर लो माँ के जीवन में निशान हो जाता है, और निशान हमेशा दर्द पैदा करता है। हो सकता है तो बार बार समझाने से खुद बच्चा बिगड़ जाता है,
को बताए थे सर आपकी बात को जीवन में छोड़ कर गया तो वहां से परिवर्तन एक बात अगर आपको समझ में आ जाए ये काउंसिल का मतलब क्या है एक साथ आपको मिलाना और जीवन को आगे बढ़ाना हमारे आपके रिश्ते हमारे आपके रिश्ते सिर्फ ऐसा नहीं है एक सही गुरु का मकसद क्या जानते हैं एक सही गुरु का मकसद वह है कि बच्चों को मंदिर तक पहुंचा दे ना कि बच्चों को बैठक पास ना तो छोड़ दे अगर आप यहां से दूर भी चले जाएंगे तो आपको भी लगेगा कि हम ऐसे व्यक्ति की जरूरत आपको है कहीं बाहर भी जाना पड़ेगा आपको नहीं जरूरत है तो आप मोबाइल से कॉन्टेक्ट करके बात कर सकते हैं अगर हमारे फोन से किसी का 10 रुपये भी कम हो जाए तो मैं जीवन धन समझता हूँ कि बच्चा अच्छा कर पा रहा है इसको भी समझना आपको है इसलिए आपको पढ़ाई के साथ साथ जो आज का जो सोच है आज का जनरेशन जो है ये सोचता है कि मैं मतलब एकदम कर सकता हूँ मेरे पास कमी नहीं है आप कभी ढूंढना उस मम्मी पापा को याद करना और ध्यान रखना तो कितना मेहनत आप करते हैं आज दूसरे व्यक्ति ने हमको फोन किया दोस्त भाई के नीचे फोन किया कहा आपके स्कूल के बच्चे को 10 टाका पड़ा हुआ है माध्यमिक स्तर में भर्ती हुआ है हम जी खड़ा है मतलब मेरे को फोन किया जाइए दूसरा व्यक्ति मेरे को जाकर बोला कि आपके बच्चे को 3-4 बच्चे ने मिलकर पिटाई कर रहा था हमारे कारण क्या था कारण हो सकता है तो हरेन तो मामला ठीक था कभी कभी गवर्नमेंट के चक्कर वाले पिटाई थे कभी कभी आप समझ लीजिए कि अब टेंशन है कल आपको बाहर जाना है कल आपको बाहर जाना है याद रखिए कोई भी बेटियां खराब नहीं होती है बेटे खराब नहीं होते हैं जरूरत है हम समझते कितना उसको हम उसको समझते कितना है अगर आप समझ गए कि ज्ञान का मतलब होता है समझ और समझ का मतलब होता है समझौता करना आप कितना समझ पाते हैं इस पर निर्भर करता है कि आप कैसे बात करते हैं पढ़ने के लिए आगे बढ़ने के लिए क्या करने के लिए अगर आपको मोहब्बत भी करनी अगर है तो वक्त बहुत है चाहिए बहुत वक्त मिलेगा आपको ऐसा नहीं बहुत वक्त मिलेगा आपको लेकिन आज जो मोहब्बत करना है वो किताब कॉपी से करना है अपने जीवन से करना है करियर को सुधारने करना है जीवन को आगे बढ़ाने करना है और माँ पिता की चेहरे मुस्कान लाने के लिए करना है ये मोहब्बत जिस हो जाएगा समझ लीजिए आपका यहाँ बैठना साथ लंच करना है ऐतिहासिक फोटो आज आपका है आप एक साथ लंच कर रहे हैं पर इसी बीच का बच्चा याद रखेगा कोई आईएएस बनेगा और कोई चपरासी बनेगा जो चपरासी बनेगा ध्यान रखिए ध्यान तो नहीं सुन रहा है जो फोटोग्राफी में लगा हुआ है जो बात कर रहा है मैं देख रहा हूँ आपको भी मैं देख रहा हूँ आपको भी निकले भी नहीं आता है 10th क्लास के बच्चे में निकले नहीं आता है करेक्टर सर्टिफिकेट आपका मेरे पास ही अभी है उसमें लिखा जा सकता है जब कोई व्यक्ति बात कर रहा हो तो आप बैठकर गप कर रहे और जब आप गप करेंगे सही बात आपको नहीं मिल पाएगा कल आप पछताया किसी जीवन में पछतावा न पड़े इसके लिए गेरी काउंसलिंग किया गया है कल आप ये नहीं बोलेंगे सर बोर्ड एग्जाम हुआ सारे बच्चे चले गए और अब हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं इसने बैठे हुए सबों के लिए बात नहीं हो रही है इससे मात्र 5 बच्चों के लिए बात हो रहा है यदि पंच प्यारे बनेगा और एक बच्चा सवाल आपको खाली पड़ेगा और प्रामुख दिनांक पर प्रश्न करेगा इसे काम को किया जा रहा है एक व्यक्ति कल के बोले कि मैं सर की बात को सुना था और चोट सीने में लगा था उन्होंने कसम खाया था मैं कुछ करूंगा मैं कुछ करूंगा ये बात आपको समझना पड़ेगा इसलिए जो भी हमारे बच्चे हम हैं इसलिए लड़ाई कर लेना किसी गाली दे देना बहुत आसान काम है थक्का दे देना आसान काम है गिरते हुए उठा लेना एक बड़ापन है बड़ा काम नहीं कोई व्यक्ति गिर रहा उठा देना काम है कोई व्यक्ति कमजोर हो उसको बता देना बड़ा काम है कोई लड़का लगता है जो आपकी मदद से अगर उठ लेता है कल आप उठ रहेंगे कल आप बाहर जाएंगे तो बैकपेट मिलेगा आपको अच्छा अगर नहीं मिला तो आपका जीवन खराब इसलिए खासकर बेटियों के लिए भी कदम बहुत फूक कर रखना है बहुत मम्मी पापा आप पर विश्वास किए हुए हैं ठीक है बहुत विश्वास किया आप पर है और आपके हाथ में सब कुछ होगा मोबाइल में होगा सब कुछ होगा आपकी आजादी है लेकिन आजादी वही तक आपकी है जहां तक माँ बाप का जाकर न छीना जाए आपकी वजह से उनका सब उच्चारण हो जाए इसका ध्यान रखना आपको है और एग्जाम डिसीव कर दिया आज का करियर काउंसलिंग सफल हो जाएगा और लगेगा कि हमारा आपका मिलना और बैठना और एक साथ बातें करना हमारा आपका सफल हो गया इसलिए प्यारे बच्चों मेरा निवेदन आपसे होगा क्योंकि मैं भी आपसे हाथ जोड़कर आग्रह करता हूँ कि माँ पिता की असर को छोड़ने दीजिए देखो तीन भाइयों की कहानी है आदर सविनाश दस दिनाव संगीता का तो हम इतिहास रचते हम लोग और आगे रचेंगे दुनिया को ताकत रोक नहीं पाएगा आगे बढ़ सम्मान जा रहा पढ़ने वाले के लिए गरीब आया नहीं आता है पढ़ने वाले बच्चे वो बिजली
قريب پڑھ لیتے ہیں اور وہ بنا کھائے بنا کر بعد پیٹر بھی ایک کوشچن یاد کر کے پڑھائی کر لیتے ہیں اور نہیں پڑھنے والوں کے لیے اس کے بیس بہانے ہیں کہ میرے بسی کی وسط میں ہے سائیکل نہیں ہے ہائی موبائل ریچارج نہیں ہے اور لائن نہیں پڑھ سکا میں کہتا ہوں پڑھنے والوں کے لیے پر دوسرا ایسا ویکتی بیٹھا ہوا ہے کہے گا کیا پڑھائی کرو اور آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں تم ہمارے ساتھ ہو یہ بات ہم آپ کو طے کر دیتے ہیں اس لیے آپ اچھے بچے ہیں اور پورا امید آپ سے ہے کہ آپ اس حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیے بہت آپ میں حوصلہ ہے اور جس ارجا کے ساتھ آپ نے مجھ کو سواگت کیا اتنا جوردار آپ نے گریپنگ کیا اور اتنے بچوں کے بیچ آج میں اپنے آپ کو پا کر دھنیہ ہوں ٹھیک ہے کہ جب ہم ہمارے جیسے ویکتی ممی پاپا کھونے کے بعد بھی اگر ہم اتنا آگے بڑھ سکتے ہیں اور ان کا آشیرواد ہمیشہ ہمیں یاد رکھے گا ماں کبھی دنیا سے غلطی نہیں یاد رکھے ماں ہمیشہ زندہ رہتی ہے پتا ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اس لیے آپ کو ہمیشہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ اس کام کو ضرور کریں گے کہ آپ اچھے سے اپنے پورے جیون کو لکھیں گے آج کے بعد دو مہینے چھٹی آپ رہیں گے سن لیجیے بہت سارے بچے یہ سمجھ گئے ہیں کہ میں اچھا کر لیا ہوں ایگزام میں پھل گیا اس کو پتا ہے پر نمبر کتنا آئے گا ایڈمیشن لینے والا ایڈمیشن لے لیا اور پڑھائی جاری کیا اب کچھ آسی بچے کیا کریں گے ریزلٹ آئے گا تب نا پاس ہونے تب نہ دیے پاس ہونے سے ہوتا ہے ارے بھائی سر بھی وہی پڑھ لو پاس ہونے کی تو اسی پاس ہو جاؤ گے سر نے نمبر دے دیا بیٹھ کر لوں گا بات اس سے ہو جائے گا چنتا کرنے کی بات نہیں بات تو کب کرنے کی ہے پاس ہو ہی جانا یہ بڑی بات نہیں ہے یہ بات آپ کو سمجھنا پڑے گا اس لیے آپ کو ایک چنتا کرنی ہے کہ میں آگے اپنا جیون کیسے آگے بڑھاؤں گا کیسے ہم آگے سمجھ پائیں گے اور کل آپ یہاں ہوں گے کل آپ یہاں ہوں گے مجھ کو وشواس ہے کل آپ یہاں پر گواہی دیں گے کہ میں یہ بات کو سن کر میں آگے بڑھا تھا اور میرا راستہ کلیئر ہو گیا تھا راستے میں جتنے بھی کانٹے آپ کو ملیں گے یاد رکھیے گا بہت چنوتی آپ کے پاس ملے گا بہت چنوتی ملے گی آپ کے پاس اور چنوتی کا آپ کو سوکار کرنا ہے ایک دم ہنستے ہوئے سوکار کرنا ہے کبھی من گھبرا جائے آپ کو کوئی آپ کو پھنسا دے کچھ معاملے میں کبھی آپ کو لگے کہ ہم پھنس گئے ہیں ہم تو خراب کبھی تو چل نہیں پا رہے ہیں کہ کیریئر کاؤنسلنگ ہمیشہ ہوگا ہر مہینے ہوگا اور بچوں کو آگے بڑھانے کا ملے گا ہر مہینے کیریئر کاؤنسلنگ ہوگا تاکہ بچے آگے کیسے بڑھے کب ادھر جائے ہمیں پتا نہیں چلتا ہے اس لیے آپ اس کا دھیان رکھیں گے اور بہت ساری باتیں آپ نے سنا ہے بس اس میں سے ایک دو بات سمجھنی ٹھوس یہ ہے کہ آپ اپنے جیون کو بہت سرل سہج اور ماں پتا جی کا آشیرواد دے دیش سماج راشٹر کی مضبوطی کے لیے آپ کا یوگدان کیا ہوگا یہ سمجھنا پڑے گا آپ کا یوگدان کیا ہوگا کہ کب آپ ہو نہ ہو ہم ہو نہ ہو یہ سماج دیش اور راشٹر رہے گا جو میں کہا ہوں سور سادھنا کا سور سادھنا کا شیش رکھنا چاہیے میں رہوں کہ نہ رہوں میں دیش رکھنا چاہیے یہ ہمارا آپ کا سبق رہے گا یہ تمام بیٹیوں سے بھی میرا آگرہ ہے خاص کر بیٹیوں سے میرا نویدن ہوگا ایک دم بڑے بھائی سمجھ کر ہاتھ جوڑ کے بولتا ہوں میرے جا ماں باپ سب سے جھوٹ نہیں دیجیے گا شاید وہ ہاتھ پر ہو جائے شاید وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائیں گے ٹھیک ہے جب بھی آپ کچھ من کرے کھل کر بول دیجیے گا اس سے کیونکہ ممی پاپا ایسے ہیں ہر گھر کو پینے کے لیے تیار ہے بیٹا بیٹی کے لیے ہر کس کو کھانے کے لیے رکھے گا کوئی بھی بات ہوگا ان سے کھل کر بات کر لیجیے گا اگر آپ بات کر لیے تو آپ کو راستہ مل جائے گا بات نہیں کیے تو راستہ مل جائے گا اب بات ضرور کر لیجیے گا ان سے ایک بار آپ کا جیون سفر ہو جائے گا اور اس شبھ کامنا کے ساتھ میں آپ کو شبھ کامنا دیتا ہوں جو میں اسی کامنا کرتا ہوں کہ آپ اچھے سے پڑھائی کریں گے اور جہاں بھی جیسے بھی آپ کو موقع ملے آپ ایک دم پورے سنکلپ کے ساتھ ایک ایک سمے کی قیمت کو سمجھیں گے آپ ایک دم بہت بڑے سمے آپ کے لیے ہے ایک وقت نہیں ہے آپ کے پاس